हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंट्री ऐप। माय नेम इज आकाश शुक्ला, योर एजुकेटर एट एंट्री ऐप। सो गाइस, यू ऑल नो दैट कि योर एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीयू एंड आरआरबी क्लर्क 2021 मेंस एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड वेरी सून। सो गाइस, फॉर दैट पर्पस आई केम विद अ वीडियो ऑन हाई लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस एंड डीआई क्वेश्चन। गाइस, डीआई एंड अर्थमेटिक क्वेश्चन इन दिस सेशन, इन द टुडे सेशन विल बी डिस्कसिंग। So guys, keep watching entry and please stay tuned till the end of the video because you're gonna learn lot of things today. So आज ये जो वीडियो रहेगा, पहले मैं बता देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, so that each and every aspirant can understand the question that I'll be discussing in this video. और यहाँ पर DI के questions रहेंगे और arithmetic के question रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया हुआ है कि एक पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय दिए हैं किसी कंपनी एक्स के एंड दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ए बी सी और डी। सो ये डिपार्टमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वी हैव 2000। अगर 2000 एम्प्लॉय हैं एंड इन ए वी हैव 25% ऑफ 2000, तो कितना होगा? ऑब्वियस ही बात है, आपका कितना होगा इसका 1/4, दैट मीन्स 500। ठीक है, इन द सेम वे इसका 1/4 500। अब इसका 30% कितना होगा? 600। इसका 20% कितना होगा? 400। सो दिस इज हाउ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ए बी सी एंड डी कंपनीज। और उसके बाद यहां पर दिया हुआ मेल एम्प्लॉय। सो गाइस, वी इजिली कैन फाइंड फीमेल एम्प्लॉयज, वी कैन इजिली फाइंड द फीमेल एम्प्लॉय बिकॉज वी हैव द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो फीमेल एम्प्लॉय विल बी व्हाट? टोटल एम्प्लॉय माइनस मेल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। सो गाइस, 500, वी आर टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट ए, सो 500 माइनस 240, दिस विल बी 260 फीमेल एम्प्लॉय। इन द सेम वे 500 माइनस 225, सो गाइस 75, 4 माइनस 2 इज टू 275 विल बी द फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। सी की बात करें तो 600 माइनस 350 दैट विल बी गिविंग यू 250, सो 250 विल बी द फीमेल एम्प्लॉय। इन द सेम वे 400 माइनस 260 गाइस 240, सो 240 विल बी द फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। And now guys, you know, this is the data we have. So, आप इसको अपने पेपर पे लिख के रखिएगा। तो now we have the female employee. अब उसके बाद guys, question में कह रहा है, if 38% of the female employee in C are newly recruited and the ratio of male employees to female employees who are newly recruited is this. So, C की बात करते हैं, 38% जो है newly recruited है, ठीक है, 38% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड द फीमेल एम्प्लॉय वी हैव इन सी 250, सो 38% ऑफ 250 दिस विल बी व्हाट गाइस? 38 to 76 प्लस 19, ओके, बिकॉज 50% ऑफ 38 इज 19, सो गाइस 9 और 6 15 और 7 और 1 8, इसका मतलब कितना हुआ? 95। सो 95 इज द फीमेल एम्प्लॉय हु आर न्यूली रिक्रूटेड इन द सी कंपनी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3:5 फॉर न्यूली रिक्रूटेड, ये न्यूली रिक्रूटेड है और हमारे पास है 95 न्यूली रिक्रूटेड फीमेल, दैट मींस 5 इज इक्वल टू 95, सो 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 विल बी इक्वल टू 15। इफ 1 विल बी इक्वल टू 15 तो 3 का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, या 19, 1 विल बी इक्वल टू 19, सो 3 का क्या होगा? 19 3 जा 57 और 19 5 जा 95। सो वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कि जो मेल एम्प्लॉय है न्यूली रिक्रूटेड दे आर 57 और जो फीमेल एम्प्लॉय है न्यूली रिक्रूटेड दे आर 95। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ओल्ड एम्प्लॉय। सो गाइस, ओल्ड एम्प्लॉय कौन से होंगे? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय माइनस न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय, ऑब्वियस ही बात है। सो टोटल एम्प्लॉय वी हैव इन सी गाइस 600, सो 600 माइनस न्यूली रिक्रूटेड 57 प्लस 95, और ये परसेंटेज हमें निकालना है किसका? फॉर द परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन सी। सो टोटल एम्प्लॉय इन सी इज 600 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस विल बी द परसेंटेज, जीरो विल बी कैंसिल आउट। सो गाइस, 600 माइनस 7 और 5 12 और 9 और 5 14 कितना हो गया आपका? 152। ठीक है भाई, 9 और 5 14 140 और 7 और 5 12 140 प्लस 12 हो गया 152। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड बाई 6, और 100 माइनस 52 कितना होगा? 48, और 5 माइनस 1 कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 4, सो 2 2 4 डिवाइडेड बाई 3 परसेंटेज विल बी द राइट आंसर। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 एंड 2, सो 74 2 बाई 3% दिस विल बी द राइट आंसर। सो गाइज, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, जो मेंस लेवल में आते हैं, दैट आर यू नो बिट कैलकुलेटिव इन नेचर, और कुछ नहीं है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा अच्छी होनी चाहिए।
नाउ गाइज वी हैव अनदर क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या है, फीमेल एम्प्लॉय भी ऑलरेडी है, और यहाँ पर था आपका 500, यहाँ पर था 500, और यहाँ पर था 400, और यहाँ पर था 600, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसने क्या बोला है कि रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज टू मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है, और ये कंपनी वाई की बात हो रही है, नई कंपनी है, और ये रेशियो दे रखा 4:3। फिर कह रहा है कि मेल एम्प्लॉय जो है ना, इस वाली कंपनी मेल एम्प्लॉय वो 300% मोर देन द मेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी ऑफ इन सी ऑफ कंपनी एक्स। तो भैया ये हो गया मेल एम्प्लॉय 350 है हमारे पास, ठीक है, 350, 300% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/1, ठीक है। इसका मतलब अगर वहां पर 1 थे तो यहां पर कितने होंगे, 4 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो 1 इज इक्वल टू 350 है, तो 4 विल बी इक्वल टू व्हाट, 35, 35 दुनी 70 और 70 दुनी 140, यानी कि 1400। इसका मतलब क्या है, 4 इज इक्वल टू 1400 होगा, तो 1 विल बी इक्वल टू व्हाट गाइस, 1 विल बी इक्वल टू योर 350, और तो 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 35 या 105 होता है, 1050। सो दीज विल बी द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय या मेल एंड फीमेल इन कंपनी वाई। तो अब इसने पूछा है कि फाइंड द टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी वाई, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, तो आप यहां से लगा सकते हैं 50 और 14 और 10 कितना हो गया 24, 2450 इज हाउ मच और लेस देन इन कंपनी एक्स। तो कंपनी एक्स में कितने 2000, सो वी कैन इजिली डिटरमाइन दिस डिफरेंस, सो 450 विल बी द आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइज वी हैव अनदर क्वेश्चन, इफ 16% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ बी लेफ्ट बी एंड ज्वाइन डी, ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं भाई, यहां पर कितना था 25 दुनी 50, 500, यहां पर 400 था, यहां पर 600 था। अब कह रहे हैं कि 16% जो है यहां से छोड़ के चले जाते हैं, दैट मीन्स 16% ऑफ 275 कैसे निकालेंगे, आप कर दीजिए 275% ऑफ 16, इसका मतलब 16 दुनी 32 प्लस 3/4 ऑफ 16 कितना होगा, 4 4 जै 16, 4 3 जै 12, दैट मीन्स 44 जो है यहां से चले जाते हैं और वो डी ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर डी में फीमेल एम्प्लॉय कितने होंगे, 240 प्लस 44 होंगे, कितना होगा 288, ठीक है, सॉरी 284 होगा, 284 हो जाएंगे। सो फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी विल बी 284। इसके बाद कह रहा है कि द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डी आफ्टर फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ बी ज्वाइंड डी। तो भाई कितने का चेंज आया यहां पर, 44 का चेंज आया, वो किस पर आया, वो 240 पर आएगा, 240 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकाल लिया, 411, 460 और 23 जा 25 जा, तो कितना हो गया 55/3%, इसका मतलब 18 1/3%, वी कैन राइट दिस वैल्यू, सो सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी के, अब मेल, अब एक कंपनी के की बात आ रही है, यहां पर अगेन मेल और फीमेल एम्प्लॉय होंगे, जो मेल एम्प्लॉय है दे आर 425 मोर देन द फीमेल एम्प्लॉय इन बी इन कंपनी एक्स। फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं कंपनी एक्स में, 275, सो 275 प्लस 425 कितना होगा भाई, ये हो गया 25 75, 100 4 2 6, मतलब 700। सो मेल एम्प्लॉय इन कंपनी के इज 700। उसके बाद फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए सी एंड डी, ठीक है, फीमेल एम्प्लॉय की बात हो रही है। अब यहां पर इसने बोल दिया कि फीमेल एम्प्लॉय ए सी और डी के अंदर, सो फीमेल एम्प्लॉय कितने ए सी और डी में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए सी और डी। तो भैया 260 प्लस 240 कितना हो गया आपका, 500 हो गया, 500 और ये कितना हो गया 750, और 750 का एवरेज कितना होगा 250, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, ये हमने निकाल दिया, आर हाउ मच लेस देन द मेल एम्प्लॉय इन कंपनी के, कंपनी के में कितने 700, तो 700 माइनस 250 यही डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। सो 250 प्लस 250 आपका 500 होता है, फिर ये कितना जाएगा 450, सो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डिफरेंस भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ द, अच्छा अब क्या आ गया 1840 एज ग्रुप वाला आ गया कि रेशियो ऑफ मेल मतलब एम्प्लॉयज हु आर इन 18 to 40, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, चलिए 18 to 40 और प्लस 40 इन ए बी और सी डी कंपनी कितना 13:12, ठीक है, 13:12 ए में हो गया, ये बी में कितना हो गया 13:37, सी में कितना हो गया
4:1 और डी में कितना हो गया 33:7 ये है। और टोटल कितने हैं यहाँ पर 500, यहाँ भी 500 है, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 600 है। सो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 18 to 40 और 40+ एज ग्रुप में अब हमने डिवाइड कर दिया है ए बी सी और डी कंपनी में, ठीक है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पर कितने हैं 500 टोटल, 500 टोटल एम्प्लॉय आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। यहाँ पर 600, यहाँ पर 400, तो 13 12 25 हो गया, 25 दूनी 50 मतलब 1 = 20 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपको ठीक से क्लियर हो जाए। 260 और 240, 13 और 37 कितना हो गया 50 हो गया, मतलब 1 = 10 हो गया, तो 130 और 370। इसी के साथ 4 और 1 5 मतलब 1 = हो गया 120 और 120 यहाँ पर हो गया 480, ये हो गया 120 और ये 37 और 7 हो गया 40 मतलब 1 = हो गया 10, तो 330 और 70। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर कह रहा है कि फाइंड द टोटल रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ 18 to 40 एज ग्रुप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका 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 सम करना है डिवाइडेड बाई इसका 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 सम करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये है हमारे पास 260, तो 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया 7 और 3 10 हो गया, मतलब 1000 हो गया सीधा, 60 और 30 90, ठीक है, और 8 और 3 11, ठीक है, 90 और 11 ये हो गया 200 मतलब 1200 डिवाइडेड बाई 1200 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये हो गया 360 और ये कितना हो गया 360 + 360 होगा 720 मतलब 730 और 730 और 730 + 70 कितना होगा 800, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 8 4 3 12 मतलब 3:2 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। सो गाइस वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम अर्थमेटिक, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है कि ए का जो सैलरी है सबसे पहले यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो ए का हम सैलरी मान लेते हैं 100। अब इसमें से खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। अब 30% जो है वो हाउस रेंट पे खर्च करता है दोस्तों, हाउस रेंट पे कितना 30%, दैट मीन्स 30 ऑफ दिस वैल्यू, और कितना बचा 70 बचा। इस 70 का 40% वो किस पर करता है, क्लोदिंग पर, मतलब 28, ठीक है, इसका 40% 28 होगा और बचा हुआ कितना होगा भाई 20 + 2 = 30 और 30 + 40 42। अब इस 42 में से वो क्या करता है, अपने दो डॉटर और एक सन को, मतलब D1 D2 और एक सन है, ठीक है, और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है 5 5 4 इसमें कर देता है। तो 5 और 5 10 4 14 इज इक्वल टू 42। सो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 3, सो ये होगा 15, ये होगा 15 और ये होगा 12, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ए का मंथली एक्सपेंडिचर क्लोदिंग के अंदर, क्लोदिंग के अंदर कितना है 28 है क्लोदिंग के अंदर, ठीक है, 40% मतलब 28 है, तो 28 और फिर क्या है जो अपने सन को देता है, कितना देता है 12, 28 - 12 इज इक्वल टू 8 में से 2 गया 6 मतलब 16 बचा। अब ये 16 यूनिट का वैल्यू कितना है 24,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई, एक यूनिट का वैल्यू होगा ये भाई 4 × 16 और 4 × 24 ये हो गया, मतलब कितना होगा 1500, एक यूनिट का वैल्यू 1500 है, एक यूनिट का वैल्यू 1500 है, तो फिर उसका मंथली सैलरी कितना हुआ 100 × 1500, ठीक है, मतलब ये हो गया मंथली सैलरी, ये मंथली सैलरी हो गया 1,50,000 1,100,000 10,000 lakh, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि भैया ये बताइए कि एनुअल एक्सपेंड क्या पूछ रहा है, उसके अंदर पूछा है उसने एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, ठीक है, हाउस रेंट पर पूछा हुआ है। तो भाई 1500 है 1 यूनिट का वैल्यू, सैलरी हमें नहीं निकालना था, 1500 है तो हाउस रेंट का हमें बताना है, तो 30 × 1500 का वैल्यू हमें निकालना है, और एनुअल पूछा हुआ है तो उसको 12 से और मल्टीप्लाई हम कर देंगे क्योंकि ये मंथली है। तो ये कितना हो गया भाई, आप देखिए यहाँ पर 45,000 हो गया, उसकी मल्टीप्लाई हमें 12 से करनी है, तो ये कितना हो गया, और 12 × 4 = 48 54, दैट मीन्स आपका ये आंसर होगा 54 मतलब 5,40,000, ठीक है, 5,40,000। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज, ठीक है, सी इज 3 times मोर इफिशियंट देन ए, इसका मतलब क्या है, सी इज 3 times मोर इफिशियंट देन ए, मतलब अगर ए का इफिशियंसी 1 है तो सी का कितना होगा 4 होगा, 3 times मोर मतलब सी की इफिशियंसी कितनी होगी 3A + A, ठीक है।
तो अब सी की अगर ए की इफिशियंसी 1 है तो सी की 4 हो गई। फिर उसके बाद उसने कह रहा है कि बी और सी की इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 है, तो इसको 4 बनाइए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 1:6:4। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद कह रहा ऑल थ्री स्टार्ट वर्किंग टूगेदर, ठीक है, दोनों ने एक तीनों ने एक साथ काम करा। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है ये 33 नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय इफिशियंसी 33। सो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय तीनों का इफिशियंसी 6 और 4 10 और 11, तो 3 दिन में तीनों काम मिलकर खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ए बी और सी हैं, तीन लोग हैं, ठीक है, तीनों लोग क्या है पार्टनरशिप करते हैं। जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाई 3 times द अमाउंट ऑफ ए एंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाई सी टू दैट ऑफ बी इज 1:2। भाई सी और बी का कितना है 1:2 है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर सकता हूँ मैं 6 और 3। अब ये जो है ना ये 3 times है बी के, तो भाई इसको क्या कर सकता हूँ मैं 2 कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्यों क्यों कर सकता हूँ कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाई बी इज 3 times द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए। दैट मीन्स अगर अमाउंट बी ए जो है 2 इन्वेस्ट करेगा तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा 6 इन्वेस्ट करेगा, और इन दोनों में रेशियो कितना दे रखा है 2:1 का रेशियो दे रखा है। फिर वो कहता है कि 11th month के बाद सबके सब वाई जो है अमाउंट विदड्रू कर लेते हैं, तो मतलब ये जो है ये 11th month तक तो इतना ही करेगा, मतलब इतना करेगा 11th month तक तो दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाई अमाउंट विदड्रू कर लेते हैं और एंड ऑफ द ईयर, एक साल के लिए बिजनेस चलता है, तो 2 - y और फिर यहां पर 6 - y और फिर यहां पर 3 - y। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 22 + 2 कितना हो जाएगा 24 - y, ये कितना हो जाएगा 66 + 6 = 72 - y और ये कितना हो जाएगा 36 - y। फिर उसने मुझे कह दिया है कि भाई इस रेशियो ऑफ सीज प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट, तो ये क्या होता है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो ही तो होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। अब रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट और यू नो सी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 36 - y डिवाइड बाई टोटल प्रॉफिट कितना होगा इन सब का सम, तो -3y तो यहां पर आएगा ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 24 और ये देखिए 7 और 2 9 और 3 कितना हो गया 12 120, ठीक है, और ये 4 और 2 6 और 6 12 120 और 12 हो गया 132, ठीक है, इज इक्वल टू ये है 35 / 129, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना थोड़े से बच्चों के लिए भारी पड़ेगा, लेकिन आप क्या करिए आप इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 36 - 129y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 35 * 132 और -35 दिया होता है 35 * 3 = 105, ठीक है, 129 * 136 और इसको इधर लिए 35 * 132 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 में से 5 गया 4 मतलब 24y। अब आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से चीज़ों को आसान बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 387 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा, और 11 की मैं 35 में मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ 385 और 24y, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 = 24y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। अब y बराबर 1 आया तो यहाँ पर कितना आएगा 23, यहाँ पर कितना आएगा 71 और यहाँ पर कितना आएगा 35। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि a और b का मुझे बताना है, मतलब 23:71 विल बी द राइट आंसर, d विल बी द राइट आंसर, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेसल है जिसके अंदर मिल्क और वाटर है, चलिए 3:1 में 80 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है, ठीक है, 80 लीटर जो है मिक्सचर निकाल लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x है, अगर 80 लीटर निकालते तो किस तरीके से निकलता है दोस्तों, 3x - 80 मल्टीप्लाई बाई 3x डिवाइडेड बाई इसमें से ये 4x, ठीक है, 3 + 1 = 4, इससे ये कटेगा 420। इसका मतलब जो मिल्क से निकलेगा वो 60 निकलेगा और जो वाटर से निकलेगा दोस्तों कितना निकलेगा, बचा हुआ वाटर से निकलेगा 20 निकलेगा। फिर कह रहा है कि वो कंप्लीटली रिप्लेस बाई मिल्क, मतलब 80 लीटर आपने मिल्क मिला दिया उसके अंदर फिर, ठीक है, और मिल्क जो है 700% बन जाता है वाटर का, मतलब अब जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है
7:1 है और हमारे अकॉर्डिंग ये है, तो भाई इसको इक्वल रख दो, 3x 80 में 60 गया कितना बचता है 20 डिवाइडेड बाई x माइनस 20 इज इक्वल टू 7:1। तो 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 7x माइनस और 7 दुनिया आपका होता है 14 मतलब 140। अब इसको यहाँ पर ले आओ कितना हो गया 4x, इसको यहाँ ले जाओ कितना हो गया 160, x बराबर 40, x का वैल्यू 40 आ गया। ओरिजिनल क्वांटिटी पूछा था मतलब 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x और 4 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना होगा, क्योंकि x का वैल्यू 40 है 160 लीटर। सो 160 लीटर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, सबका प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, वो क्या है 2:5 और बी टू दैट ऑफ सी कितना है 25:18। भाई यहाँ पर बी बराबर 5 है, यहाँ बी बराबर 25 है, तो यहाँ पर मुझे बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, रेशियो बैलेंस करने के लिए 5 की। तो मैं यहाँ से ए रेशियो बी क्या हो सकता है मेरा 10 और 25, दोनों बराबर बराबर हैं, तो भाई ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा 10:25:18। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहा है कि सी और डी का रेशियो कितना है 12:3, यहाँ पर 12:13, यहाँ पर सी बराबर 18 है, यहाँ सी बराबर 12 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है 36, मतलब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास बहुत आसानी से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ जाएगा। सबसे पहला काम यही करना है, 20 और 50, 36 और 39, जी आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन में कह रहा है डी जो है ना 11 साल छोटा है बी से, मेरे अकॉर्डिंग कितना है डी और बी से, मतलब ये दोनों ये 11 साल ही छोटा है, ठीक है, इसका मतलब 11 यूनिट बराबर 11 यूनिट, और तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो परसेंटेज ऑफ ए तो 20 यूनिट बराबर 20, सो 20 ईयर्स विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, कैसे बनाओगे, ये बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर उसका 60 है और लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 मीटर, इसका मतलब ये है 25 मीटर और पेरीमीटर है हमारा क्या 60 मीटर, 60 मीटर पेरीमीटर है, तो भाई 60 में से 25 गया कितना बचता है 35, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये कितना होगा 35 माइनस एक्स, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है 35 माइनस एक्स, और क्योंकि इन तीनों का सम क्या है 60 है। फिर वो कह रहा है कि भैया अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम आप जानते हैं कि हाई इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 3×4 = 12, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70x, ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा 006, ठीक है, माइनस 70x, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब क्या है इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए आप बहुत आसानी से, देखिए क्या फैक्टर होंगे इसके, तो इसके फैक्टर होंगे भाई 20 और 15, 20 मल्टीप्लाई बाई 15 इज 300 और 20 और 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो 35, और यही इसके फैक्टर होंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 20 या 15 दो आ गए, कौन सा वैल्यू लेना, चलिए यहाँ पर 20 रख के देखते हैं, अगर यहाँ 20 मैंने रखा तो यहाँ पर क्या आएगा 15 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या रखा है कि बेस जो है ना वो स्मॉलेस्ट साइड है, बेस सबसे छोटा है, अगर बेस सबसे छोटा है दोस्तों तो फिर यहाँ पर बेस छोटा ही आ रहा है, अगर मैं x का वैल्यू 15 ले लेता हूँ तो यहाँ पर 15 होगा और यहाँ पर 20 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर बेस सबसे छोटा नहीं आ रहा, तो x का वैल्यू हम ये नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, हम 20 ही लेंगे, ठीक है, सो x का वैल्यू हम 20 लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, पूछा है कि स्मॉलेस्ट साइड कितना है 15 है, तो 15 आपका राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए शॉपकीपर है दो आर्टिकल सोल्ड करता है, एक एम की बात हो रही है एक एन की बात हो रही है, जो एम के लिए है देखिए सीपी है एमपी है और आपका एसपी है, एम का जो है 20% अबव है कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर ये 100 है ठीक है तो ये कितना 120 वो मार्क करता है, उसके बाद वो 5% का डिस्काउंट दे देता है, चलिए 5% का उसने डिस्काउंट दिया तो 12×5=60 मतलब 6 रुपये का डिस्काउंट देगा, 6 रुपये का देगा तो ये हो जाएगा 114, उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ
आर्टिकल एन इज 20% मोर देन, मतलब ये तो बात हो रही थी एम की एंड नाउ वी टॉक अबाउट द एन, सो ये प्लस 20% मतलब 120, ठीक है, मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एम। इफ द शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एम एट रुपीज इतना, ठीक है, मतलब ये जो 114 का वैल्यू है ये कितना है 285, सो वन यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 285 डिवाइडेड बाई 114, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए पहले भाई, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, ठीक है, फिर कर लीजिए आपका 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, 19 2 जा 19 5 जा, एक का वैल्यू कितना आ गया मेरा 5/2। अगर एक का वैल्यू 5/2 आ गया तो 120 का वैल्यू कितना आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 5/2 ऑब्वियस ही बात है ये होगा 60, मतलब n का जो कॉस्ट प्राइस होगा रियल में वो 300 होगा। फिर वो कह रहा है n को 15% प्रॉफिट पर हम सेल करते हैं, तो प्लस 15% कर दीजिए, मतलब इसका कितना 15 3 जा 45, मतलब 45 कर दीजिए प्लस, तो 345 क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, सो 345 विल बी द राइट आंसर क्योंकि सेलिंग प्राइस ही पूछा है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है और SIB है इसके अंदर। आयुष जो है 750 रुपीज इन्वेस्ट करता है, 75,000 रुपीज जो कि आर परसेंट पर एनम से है 5 साल के लिए, ठीक है, और फिर वो क्या करता है 50,000 रुपीज भी इन्वेस्ट करता है, 50,000 रुपीज 12% पर एनम के हिसाब से CI 2 साल के लिए। तो भाई सबसे पहले 2 साल के लिए निकालो CI, ठीक है, ऐसा ही तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 12% के लिए मतलब 4 3 जा 12 4 25, ये होगा फ्रैक्शन वैल्यू। पहले साल में कितना लगेगा इसका 3/25, ठीक है, मतलब 20 कितना होगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6000। फिर अगेन इस पर लगेगा, और बिकॉज CI इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो इस पर भी लगेगा 3/25, 6000 का 3/25, तो इसको सीधा सीधा काट सकते हैं हम 600 को भाई 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 की तो 100 आता है, तो 24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 240 कितना हो गया 720, ठीक है, टोटल कितना आ गया CI। अब उसमें पूछा है इफ द डिफरेंस इज सेकंड ईयर CI, तो सेकंड ईयर CI कितना है भाई 6720, एंड सेकंड ईयर SI, सेकंड ईयर SI क्या है बताते हैं, सेकंड ईयर SI क्या है, देखिए 75,000 रुपया था, ठीक है, और सेकंड ईयर SI मतलब SI केवल एक ही बार ऐसे ही काउंट होता है कि अगर पहली बार 1250 रुपया SI है तो अगली बार भी 1250, दूसरी बार भी 1250, चौथी बार भी 1250, तो सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, इससे ये कैंसिल होगा, मतलब 750 आर, ठीक है, ये डिफरेंस जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है हमें 220, मतलब 750 आर इज इक्वल टू 6720 माइनस 2220, ये हो गया 00, ठीक है, 00, और 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4 डिवाइडेड बाई 750, ये होगा आपका आर का वैल्यू, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है भाई, 15 से काट लीजिए 15 5 75, 15 3 45 और 6, मतलब आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 6%, तो आप 6% मार्क करेंगे,